नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ पूर्ण संख्याओं का आरोही क्रम, यानी कि एसेंडिंग ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स। पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड पार्ट में हम दशमलव संख्या को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहें। देखिए गाइस, आपके सामने ये क्वेश्चन है और इसको आपको आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम का मतलब होता है सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे क्रम में चलती है संख्याएं बढ़ती हुई जाती है। ठीक है, तो आपके सामने ये जो संख्याएं हैं 256, 345, 421, 264, 264 और 701, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सभी थ्री डिजिट नंबर है, तो इनको हम लेफ्ट से कंपेयर करेंगे। लेफ्ट में छोटा आ रहा है टू, यहाँ पर टू है, यहाँ पर टू है। 264 से 256 छोटा होता है, तो भाई सबसे पहले आएगा 256। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? अब आप ये चिन्ह लगाओ तो वो चिन्ह लगा लेना, कोमा लगाओ तो कोमा लेना, फिर आएगा 264। फिर देखिए, इनका तो हो चुका है, ये हो चुका है, आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ। फिर देखिए, इस तीन तीन वाले की बारी आएगी, तो 345, यानी कि 345। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया, तो ये 421, 421, और उसके बाद में 701, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ चुकी होगी गाइज, ये चीज़ें आपके बिल्कुल वर्क कर रही होगी। नेक्स्ट में चलते हैं और अगले में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चार चार डिजिट है प्रत्येक संख्या में, तो लेफ्ट से हम कंपेयर कर रहे हैं 5 और 5, यानी कि इसमें और इसमें से पहले आएगा। आप बताओ 51 पहले आएगा या फिर 50? 50 पहले आएगा भाई। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट है वो आ जाएगा 5021। ठीक है, ये आपने लगाई घूमा। उसके बाद में आपका ये आ जाएगा 5160, 5160। ठीक है, आगे देखिए, 72 से पहले तो यार 64 आएगा, तो 64 72। ठीक है, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 72 34। ये है गाइज आपका आरोही क्रम, डेफिनेटली आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और बड़ा नंबर, 5 डिजिट नंबर्स की इसमें संख्याएं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट से कंपेयर कीजिए आप, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इसमें 8 है, इसमें 1 है, इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो सबसे छोटा तो यार 1 होता है, तो 18524, ये लो 18524, क्योंकि नंबर यहाँ पे बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा आराम से लिख रहा हूँ। एक वाले के बाद में ये आएगा 27502, 27502। ठीक है भाई, ठीक है, इसके बाद में 58 आएगा, आपको पता है, क्योंकि 5 पहले आता है 8 से। पूरे कंपेयर मत कीजिए, चाहे ये देख लीजिए कि जब बराबर डिजिट है तब लेफ्ट से कंपेयर करते हैं बस। 58421, 421। ठीक है भाई, अब ये 81425, ये भी हो गया आपका। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल इजी वे में इसको करने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे है 56, यानी कि 56। देखिए गाइस, नंबर आपको बिल्कुल इजी वे में नजर आए, सभी जो संख्याएं हैं वो 2 अंक की हैं। 2 अंक की है तो भाई लेफ्ट साइड से कंपेयर कीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे कम इनमें कौन है? 2। 2 वाली तो 2 संख्या यार, एक तो ये 28 है, एक ये 21 है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट तक 2 और 2 दोनों संख्याएं बराबर हैं, बट जैसे हम सेकेंड डिजिट की तरफ गए तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 1 है, एक छोटा हो जाता है, इसका मतलब 21 पहले आएगा। वैसे भी आपको पता है कि 21 पहले आएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा? 28। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि भाई ये 30 है, ये 32 है, अब 30 छोटा है तो इसका मतलब 30 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 32 और एंड में आ जाएगा आपका 56, यानी कि 56। तो गाइज, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।